तो ये लेकर के इन्होंने कहा, मैंने कहा एक बात बताओ, बस खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बोले हम भक्तों से मांगेंगे। चलो मैंने कहा भक्तों ने बस तो दे दिया, पेट्रोल के लिए क्या करोगे? बोला वो भी मांगेंगे। उसके बाद में फिर वहाँ पर जो भजन गाने के लिए बैठेंगे उनको भोजन भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएगा? बोले वो भी मांगेंगे। मैंने कहा 10 साल के बाद बस खराब हो जाएगी, तब क्या करोगे? तो मैंने कहा जिंदगी भर फिर यही करोगे। तो मैंने कहा बस में भजन मत कराओ, जैसे कर रहे हैं वहीं प्रेरित करो। फिर इन्होंने कहा कि हम क्या करें? मैंने कहा एक लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आएंगे, आप एक ऐसा छोटा सा कोई संस्थान बना करके वहाँ से बाकी सेवा की एक दो गतिविधियाँ शुरू करो। तो मुझे वह शब्द अभी भी स्मरण है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। छोटी सी बच्ची 12-14 साल की लड़की के अंदर, लड़के के अंदर, बच्चे के अंदर कितनी बुद्धि होती है हम सब जानते हैं। हालांकि आजकल गूगल की मेहरबानी से बड़ी सारी चीज़ें बच्चे सीख गए, पर वहाँ पर संस्कृति, अध्यात्म और धर्म नहीं मिलता है, यह दुर्भाग्य की बात है। तो इसीलिए आज हमारे परंपराओं से बहुत बच्चे विमुख हैं। तो कितनी एक बुद्धि हो सकती है? मैंने कहा कि आप क्या करना चाहते हो? कहा आचार्य जी बात यह है कि मैं आश्रम वगैरह नहीं बनाना चाहती हूँ। जब चित्रलेखा जी ने ऐसा कहा तो मैं आपको सच बताऊँ, मैं इसके मुँह की तरफ देखता रहा। मैंने कहा ये बताओ क्या चाहती हो फिर? कहने लगे नहीं आश्रम ना, जब कथा कुथा लोग करते हैं फिर आश्रम उश्रम बना लेते हैं, फिर लोग कहते हैं कि तुमने भी वही काम शुरू कर दिया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा लोग ऐसा कहेंगे। तो अब सोचो वह एक बाल सुलभ मन के अंदर में कितनी एक उच्च भावना थी, कितना एक दिव्य विचार इसके उनके मन के अंदर वो जो है वह प्रकट एक उत्पन्न हो रहा था, मैंने तो तभी महसूस किया था। फिर हमने कहा कि आप क्या करना चाहते हो? बोले हम बाद में फिर 2-3 बार, क्योंकि बीच बीच में हमारे पास आते हैं, हालांकि अब हमारे पास तो कुछ गुरुजी वाला दर्जा तो रहा नहीं, एक उधर ले गए दूसरे इधर ले गए, तो फिर भी हम बड़े हैं तो इसलिए कोई बात नहीं। तो बात यह है, तो आई तो उसके बाद में मैंने कहा क्या करना चाहते हो? कहने लगी कि हमको ना एक इस तरह की गायों की सेवा हो जाए, हम हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। तो मैंने कहा इस कार्य में हमारा पूरा समर्थन है, हमको करो। बहुत संतोष है कि पूरा परिवार, माता पिता भाई दादी गुरु सब लगे हैं। अब तो शिक्षा गुरु भी लगेंगे, आप भी लग जाओ पूरा, तो सबको लगा लिया साथ में। यह एक इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता है? मुझे वह दिन भी याद है जब इन्होंने हॉस्पिटल शुरू किया, जब थोड़ा प्रचार शुरू किया, तो शुरू शुरू में तो थोड़ा प्रचार तो करना पड़ेगा। प्रचार करने के लिए इनके पास तब गायें तो थी नहीं, क्योंकि ज़मीन भी नहीं ली गई थी। मुझे याद है, अभी ये भूल भुला गई होंगी तो मुझे नहीं पता, तो एक अखबार में किसी छोटे मोटे पत्रिका में एक छपा कि देखो गाय के नाम पर पैसा इकट्ठा करने के लिए गाय भी दूसरी गौशाला की लगा दी और फोटो भी जो ऐसा लगा दिया। ये लेकर के पिता पुत्र, पुत्री और माता और पुत्र सब पहुँचे मेरे पास, आचार्य जी बड़ी दुखी थी। तो मैंने कहा देखो चित्रलेखा, यदि आपको काम करना है तो ये सहन करना और झेलने की ये शुरुआत मानो। काम करोगे तो फिर यह नहीं हो सकता है कि जो मेरी भावनाएं हैं, मेरी संवेदनाएं हैं, उसको पूरी दुनिया समझ सकेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हम जो काम कर रहे हैं हमारी अंतर आत्मा समझ सके, हम अंदर से हमारी भावनाएं पवित्र हों, हम यह कर सकते हैं। इसको यदि हमने हृदय में धारण कर लिया, अपनी आत्मा में धारण कर लिया, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कभी ये सोचा था कि हमारा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? या क्या कभी उनके मन में ये भाव आया होगा कि लोग हमको क्या कहते हैं? लोग तो उनको उग्रवादी, आतंकवादी कहते थे। दुर्भाग्य से आज़ाद भारत के इतिहास में भी उन क्रांतिकारियों को जनता के हृदय में, वो हमारे हृदय के नायक हैं, वो हमारे आदर्श हैं, हमारे वह प्रेरणा स्रोत हैं, परंतु सरकारी सिस्टम के खाते के अंदर आज भी वो क्रांतिकारी दर्ज नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है, पर उन्होंने दर्ज नहीं किया तो क्या उनका कोई दर्जा कम थोड़ी ना हुआ है? दर्जा कम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा मैं एक बात को कहता हूँ, ध्यान रख लेना,
कि जो कर्म की ध्वनि होती है वह शब्द की ध्वनि से बहुत गहरी होती है। इसीलिए हमको कर्म की ध्वनि को गुंजाते हुए चलना चाहिए। शब्द की ध्वनि गुंजाने के लिए बहुत थोड़ी सी समय की आवश्यकता होती है, कर्म की ध्वनि को गुंजायमान करने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता होती है। इसीलिए वहाँ पर सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप जीवन में सेवा करना चाहते हैं, यदि जीवन में साधना करना चाहते हैं, यदि जीवन में कुछ भी यदि आपका पवित्र लक्ष्य है उसको पाना चाहते हैं तो फिर धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि धैर्य के बिना धर्म का आचरण कदापि नहीं हो सकता है। अधीरता के द्वारा जो कार्य होता है वो धर्म हो ये कभी जरूरी नहीं होता है, पर धर्म के लिए धैर्य के बिना कभी उसका पालन नहीं हो सकता है। इसीलिए यह इस स्वरूप को देख करके, वह उस दिन की सोच को देख करके लोग कहेंगे, मान लो कि ठीक है, कार्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे शब्द में इन्होंने कहा कि ठीक है, यदि यह बिजनेस है तो आप सभी लोग इसको शुरू कर दो, इससे बढ़िया और कोई उत्तर नहीं हो सकता है। क्योंकि जब अभी मैंने गायों को देखा, भावनाओं को देखिए, कर्म को देखिए, कभी भी एक बात आप हृदय में रख लेना, कोई भी व्यक्ति एक दिन में साधु भी नहीं बनता है और कोई एक दिन में चोर और डाकू भी नहीं बना करता है। जो बनता है वह उसके बहुत लंबे समय की सोच विचार और प्रवृत्ति से बनता है। तो जो यह प्रवृत्ति है यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इसको शुरू करने वाले लोग कैसे हैं, उनके हृदय में क्या भावना है और उनकी मानसिकता क्या है। क्योंकि लोग तो फिर भी सहयोग करते, यहाँ हॉस्पिटल की जगह आश्रम का भवन शुरू कर देते तो भी लोग दान तो देते ही देते, कथा ये करती हैं, पूरे देश में जाती हैं। तो यह एक पवित्र भावना है। और मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे युवक भाई लोग भी हैं, कुछ मेरी युवती बहनें भी हैं, उनको यह भी प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि हमको जैसे होता ना, हम आजकल अपना आदर्श ढूँढते हैं जीवन में, हम आइडियल तलाश करते हैं। मैं कहता हूँ कि एक अपने जीवन को, अपने बाल्यकाल को भी, अपनी जवानी को भी, जिसके हृदय में धर्म है, जिसकी संस्कृति है, जहाँ कहीं वो गौ माता है, देश का उत्थान है, ऐसे लोगों को हमारी नई पीढ़ी यदि आइडियल बना लें, ऐसे लोगों को अपना आदर्श बना लें, तो इस देश का भला एक दिन में ही हो सकता है। इसीलिए हम अपने सब लोग अपने कर्म के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, गाय की जहाँ तक बात है मैं बताना चाहता हूँ, हमारे ऋषियों को पहले से ही पता था कि गौ के अंदर बहुत सारी दिव्य औषधियाँ हैं, गौ माता के अंदर बहुत ही दिव्य तत्व हैं। गौ माता के अंदर इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि गाय के शरीर में से जो एक आभा मंडल, जो ऑरा निकलता है, जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से ही बहुत तरह के जो नकारात्मक जो एनर्जी है, जो नकारात्मक जो तत्व हैं, उसको ख़त्म करने में वो सक्षम है। आज लोग वास्तु के नाम पर, धर्म के नाम पर, आज न जाने ज्योतिष के नाम पर, हालांकि ज्योतिष एक बहुत बड़ी विधा है, हमारे शास्त्र के अंदर, हमारे देश के अंदर जब लोग कुछ नहीं जानते थे, जंगलों में विचरते थे, हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने खगोल, भूगोल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। उनको पहले से पता है कि यह धरती गोल है, यह खगोल का मतलब यह पूरे ब्रह्मांड गोल है। और लोग तो अभी तक भी कहते रहे, कुछ धर्मों में तो यह है कि धरती चटाई की तरह से है, वो लपट करके सो गया, उसको ये कर गया, पर हमारे ऋषियों को पता था कि धरती तो गोल है, इसीलिए कहा भूगोल। तो ये सारे शब्द इसीलिए थे क्योंकि हमारे ऋषि लोगों ने बहुत अनुसंधान किया था, वह एक ज्योतिष का प्रकार था। पर आजकल क्या होता है, आजकल आप सब देख रहे हैं कि उन लोगों के पास जाते हैं, जब लोग जा करके, लोग जब ये कहते हैं कि रसगुल्ला खिला करके जहाँ डायबिटीज़ ठीक करते हों लोग, है ना, और शराब की बोतल चढ़ा करके तुम्हारी मानसिकता पूरी करते हों, और फिर भी तुम लाइन लगा करके उन लोगों के सामने खड़े हों, तो धर्म की इससे बड़ी हानि और कुछ नहीं हो सकती। ये धर्म की बहुत, एक तरह से मैं कहूँ, हमको तो बहुत पीड़ा होती है, दर्द और दुख होता है। धर्म के स्वरूप को जानना होना, भाषण सुनने की भी जरूरत नहीं है, एक बार आकर के उन गौ माता की थोड़ा सा सकल की तरफ तो निहारो,
थोड़ी सी यदि घर में आप गांव से कई लोग आए हैं, घर में भी गाय पाली है, गाय को आप सुबह उसके गोबर को उठाइए, उसके हाथ में अपने हाथों में गोबर और गोमूत्र को लगने दीजिए। मैं कहता हूं कि कैंसर जैसे बीमारियों से गोबर उठाने से और गोबर साफ करने से भी आप बच सकते हैं। यह सत्य है और इसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी बहुत जो बड़े बड़े जो विदेशियों की बात हम मानते हैं ना, पाश्चात्य लोगों की बात, तो उन्हीं जो रिसर्च जर्नलों में ये पब्लिश होगा, ये प्रकाशित होने वाला है। मैं इसलिए पहले से आपको कह रहा हूँ कि हम इसकी महत्ता को समझें। इसीलिए चाहे हमारे ऋषि महर्षि लोग रहे हों, चाहे महापुरुष रहे हों, भगवान कृष्ण तक ने गाय की बहुत महिमा गाई है। गाओ अग्रतः संतो, गाओ में पृष्ठतः संतो, इस तरह से कि गाय मेरे आगे हो, मेरे पीछे हो, मेरी गाय मेरे चारों ओर हो, गाय के मध्य में मैं रहूं, ये सामान्य बात नहीं है। क्योंकि यदि हम गौ की रक्षा करते हैं तो गाय हमारी रक्षा करती है। इसीलिए गाय की रक्षा के लिए हमको गाय की रक्षा की ज़रूरत नहीं है, अपनी रक्षा के लिए हमको गाय की रक्षा की ज़रूरत है, इसको हम समझ लें। और जितने भी तरह के धर्म के नाम पर, दान के नाम पर, पुण्य के नाम पर जो विकृतियां हैं, जो समाज के अंदर समाज को बरगलाने का, बहकाने का काम हो रहा है, हम उनसे बचें। तो आज वास्तु के नाम पर हम भयभीत होते हैं। मैं कहता हूं कि जिसके घर में गाय हैं, जिसके घर में तुलसी का पौधा है, विविध अभी आप देख रहे हैं कि विविध तरह की जो बैक्टीरिया हैं, विविध तरह के जो वायरल है, अभी डेंगू का बहुत भयानक प्रकोप फैला हुआ है। और मैं परसों टीवी देख रहा था कि बोले कि जो है ना बकरी का दूध बोले डेंगू के लिए लाभकारी है, बकरी का दूध दो दो तीन तीन हज़ार रुपये लीटर बिक रहा है, अभी भी बंद नहीं हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बकरी का दूध लाभकारी है, परंतु देसी गाय का दूध उससे कम लाभकारी नहीं है। इसीलिए डेंगू के मरीजों को देसी गाय का दूध पिलाइए तो आप देखेंगे, देसी गाय का दूध ना मिले तो गाय का मूती पिला दो, गोमूत्र पिला दो, उसी से डेंगू ठीक हो जाता है। और तुलसी के पत्ते को उसमें उबाल करके पिला दीजिए, पूरा ठीक हो जाता है। गिलोय का प्रयोग बहुत लाभकारी है, एलोवेरा का प्रयोग लाभकारी है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये आप अपने आप जा करके देख सकते हैं। विज्ञान जो है वो दूसरों का बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने आप समझ सकते हैं। यदि आपके इधर गाँव में कहीं इधर उधर डेंगू फैला हुआ हो कहीं पर, तो देख लेना, जिनके घरों में गाय हैं उनके घरों में डेंगू कम मिलेगा, जहाँ नहीं है उनके घरों में डेंगू का प्रकोप मिलेगा, या आप जाकर के देख लेना यदि किसी को डेंगू हुआ है तो। और इसी तरह से आप ये भी परीक्षण कर लेना, ये मैं आपको ऊपर ही छोड़ करके जा रहा हूँ विज्ञान, क्योंकि बड़ी बड़ी शास्त्र की बातें और विज्ञान की बातें हमको कभी कभी थोड़ी कम समझ में आती हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिनके घरों में गाय होती हैं उनके घरों में झगड़े भी कम होते हैं, जरा देख लेना। और जिनके घरों में गाय होकर के भी झगड़ते हों, तो गाय को यदि घर से हटा दो तो फिर तो बिल्कुल मारामारी ही होगी, जितना भी है उससे कम होता है। इसी तरह से जिनके घरों के आसपास में तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, जितने भी बैक्टीरियल और वायरल जो परेशानियाँ होती हैं वह भी कम होता है। तो ये हमारे ऋषियों ने, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना बड़ी लालची है, मनुष्य की जो मूलतः जो स्वभाव है कहीं लालच से जुड़ा हुआ है। अब हमारे जैसे एक एक बात को कहूँ तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, जैसे कि कहा कि हम तुलसी की पूजा कर लें। तुलसी की पूजा क्यों करें? कहा कि वह तुलसी साक्षात भगवान के रूप हैं, भगवान के स्वरूप हैं, तो हमने तुलसी को पूजना शुरू किया। परंतु वह तुलसी भगवान है, वो देवता है। क्यों देवता कहते हैं? देने से देवता कहते हैं, हमको लाभ पहुंचाने की वजह से। यदि हम ऐसा करते कि उस तुलसी के पौधे को घर में लगाने से ही बहुत सारी तरह के, क्योंकि दुनिया के अंदर एक ऐसा दिव्य अद्भुत पौधा है जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो हमारे जो घर के आसपास में जो प्रदूषित वायु है उस वायु की मात्रा को तुलसी का पौधा कम कर रहा होता है। तो यदि हम इसको समझ लें और लगा लें तो धर्म के साथ में विज्ञान भी तो जुड़ गया अपने आप। तो ऋषियों ने इसलिए कहा कि वो देवता है क्योंकि तुम्हारे दुखों को हर रहा है, वो तुम्हारे कष्टों को दूर कर रहा है, इसलिए घर के पास में रखो। तो फिर हाँ कहा देवता
ने क्या कहा कि उसको तुलसी दल डालने से भोजन पवित्र हो जाता है, जल पवित्र हो जाता है। मैं एक बात कहूँ, जल और भोजन इसलिए पवित्र हो जाता है क्योंकि एक तुलसी का पौधा एक गिलास पानी के अंदर जो उसके अंदर कोई इस तरह के जो विषाणु हो, जीवाणु हो, बैक्टीरिया हो, उसको खत्म करने में बहुत सहयोगी है। तो हम इसको समझ करके यदि पीते हैं तो मैं कहता हूँ कि तुलसी के पत्ते को सब पीना चाहिए। और इसी तरह से लोग कहते हैं कि हमको तुलसी के दल को चबाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले भगवान है ना, इसलिए चबाना नहीं चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसके अंदर जो मरकरी होती है, जो पारद जैसी जो चीज़ें होती हैं, वो तुलसी के पौधों के अंदर प्राकृतिक रूप से होता है। यदि तुलसी के पत्ते को आप बार बार चबाते रहोगे, ये पक्की बात मानो कि तुम्हारे दांत खोखले हो जाएंगे। इसलिए ऋषियों ने समझाया कि वो भगवान है, उसको मत चाहो। यानी कि लाभकारी तो है, पर तुम ज़्यादा ही सोचोगे कि ये तो मैं जैसा चाहूँ वैसा खा लूँ, तो बोले वह भी ठीक नहीं है। तो यह विज्ञान है, ये साइंस है। और मैं आपको यह भी बता दूँ, हालांकि हम तो, क्योंकि मैं भी वैष्णव परंपरा को भी मैं जानता हूँ, पर मैं कंठी माला से, क्योंकि हम पहनते नहीं हैं, पर जैसे गले में कंठी, जैसे महाराज जी ने पहन रखा है, मैं आपको बता दूँ गले के रोगों से बचाने में भी वो सहयोगी है। बहुत सारे रोगों में लाभ करता है तुलसी का। यदि धारण किया हुआ, रुद्राक्ष धारण किया हुआ, तो हृदय के लिए लाभकारी है। यदि औषधीय गुणों की दृष्टि से भी देखें तो वह विज्ञान सम्मत है। आज हमारी इस विज्ञान को, इस साइंस को, यदि मॉडर्न जो नए हमारी जनरेशन है, यदि हम उसको समझा सकें, तो मैं कहता हूँ कि यह जो हमारे धर्म का जो विज्ञान है, इसका जो रहस्य है, वह और भी लोगों के अंदर एक रुचि के साथ वो प्रवृत्त हो सकेगा, हम इसको जानें। इसलिए जितने भी हमारी परंपराएं हैं, जितने भी हमारे जो ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने जो कुछ भी हमको बताया है, वह अंधविश्वास नहीं है, वो पंड नहीं है, रूढ़िवादिता नहीं है, अभी तो वह विज्ञान है। वो एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसको हम समझें। इसको समझ करके हम गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए आगे आएँ। रेडिएशन जो होती है, जैसे आपने देखा होगा, मेरी माताएं बहनें अभी भी हमारे गांव में सब जगह परंपरा है, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होने को होता है तो गाय का गोबर लेकर के घर के चारों तरफ आपने देखा होगा एक घेरा सा डाल देते थे, अभी भी डाला जाता है। वो क्यों डाला जाता है? क्योंकि जो सूर्य ग्रहण के टाइम पर या चंद्र ग्रहण के टाइम पर जो इस तरह के जो किरणें, जो रेंज जो आती हैं, वो घर के अंदर प्रविष्ट नहीं करेंगी सिर्फ गोबर लगा देने से। अभी रिसर्च हो चुका है कि जो रेडिएशन जो आती है उसको रोकने के काम, इवन जो एक्सरे और दूसरे एमआरआई वगैरह जो अभी होता है, जिसके अंदर इस तरह से विकिरण जो निकलते हैं, उनको रोकने का सामर्थ्य भी भैंस के गोबर में नहीं है, वो गाय के गोबर में ही है। यह गुण परमात्मा ने उसको दिया हुआ है। इतना ही नहीं, क्योंकि लोग जैसे हम गौमूत्र को पवित्र मानते हैं, इसके ऊपर हमने बहुत सारा काम किया है। क्योंकि गाय की बात है, गौ भक्त आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, इसको आप बड़े हृदय में धारण कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि जो पंचामृत दिया जाता है या जो पंचगव्य का हम सेवन करते हैं, उसके अंदर में आप जानते हैं पाँच चीज़ तो है ना, पता तो है, सबको ही पता है भाई, दुग्ध, घृत, दही और मूत्र और गोबर, पांच तत्व। तो गौ माँ जो हमको देती हो, पांच चीज़ें देती हैं, देती तो तीन ही है, एक को हम दो और कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, दूध का ही तो दही बनाएंगे, दूध से ही घी बनाएंगे, तो ये पांच तत्व हो गए। ये क्यों दिया जाता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और उसमें तुलसी दल भी डाल देते हैं तो उससे और हो जाता है। आप घर में चाहे पूजा करते हो या नहीं करते हो, यदि मैं कहता हूँ कि चलो गोबर आपको अच्छा नहीं लगता हो, वैसे गोबर को थोड़ा सा पानी डाल करके उसको छान लें, अच्छा तो अच्छा है, नहीं तो गौमूत्र मिला दो, और जो पंचगव्य के अंदर में, क्योंकि उसमें शहद भी डाला जाता है, उसको डाल करके आप प्रतिदिन यदि सुबह सेवन करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। ये ऋषियों को पता था, इसीलिए उन्होंने ये विधान किया। इसी तरह से आपने देखा होगा हमारे यहाँ सूतक, जातक, पातक, जितने भी चीज़ें होती हैं, घर में कोई पैदा होता है, कोई पूजा करना हो हमको, कोई यज्ञ करना हो, तो भी हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, तब लिपना हो तो भी गोबर चाहिए, और हमको शुद्धि के लिए भी गौमूत्र चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उससे जो वहाँ का जो वातावरण है, अपने आप पवित्र होने लगता है। उसके अंदर तनाव के जो परमाणु हैं, जो विकार के परमाणु हैं, जो
रोग के परमाणु हैं वो दूर हो जाते हैं अपने आप। इसीलिए जब पूजा करते हैं तो सात्विकता की जरूरत होती है, तो सात्विक वातावरण बनाने का काम गोबर और गोमूत्र और गोदुग्ध के द्वारा बनता है। इसी तरह से जब मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा कि मरने के बाद में भी गोमूत्र के द्वारा ही हम शुद्ध करते हैं। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि मरने के बाद में दो चीज़ें होती हैं, एक तो परिवार में तनाव होता है, जो परिवार में जो लोग होते हैं उनको कष्ट होता है कि कोई हमसे बिछड़ गया, तो दूसरा क्योंकि कोई मरा है न जाने किस बीमारी से किस व्याधि से वो मरा है, तो उसके जो परमाणु हैं वहाँ पर रह सकते हैं उस क्षेत्र में, तो गोमूत्र के द्वारा दोनों काम हो जाता है। जितने भी तरह के बैक्टीरिया और वायरस है उनकी भी समाप्ति हो जाती है, तो यदि उसको हम पी लेते हैं तो अंदर का तनाव और स्ट्रेस और टेंशन भी कम हो जाता है। यह इस गाय के विज्ञान का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सामान्य रूप से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और यह पूर्णतः सत्य है, हम इसको समझें। इसलिए ऋषियों ने उस महत्ता को समझा था, उस महत्ता को जाना था, उस विज्ञान को समझा था। गौ को माँ का दर्जा दिया गया, गौ के अतिरिक्त किसी भी प्राणी को माँ का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि माँ माँ शब्द दुनिया का सबसे प्यारा शब्द है। माँ शब्द उच्चारण करने मात्र से हमारे रोम रोम खिल उठते हैं, शरीर रोमांच उठता है, हृदय के अंदर संवेदना और करुणा का भाव जागृत हो जाता है, क्योंकि दुनिया में जब हम उच्चारण भी करते हैं तो मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः सबसे पहले माँ होती है। माँ ने ही सब कुछ कष्ट सहा होता है, माँ बच्चे का जितना हित चाहती है दूसरा कोई नहीं चाहता है, परंतु गौ तो पशु है परंतु वह माँ हित चाहती है। क्षमा करना मेरी माँ, सब अपने बच्चों का हित ज़्यादा चाहती हैं पर गौ सभी बच्चों का हित बराबर चाहती है। इतना ही फर्क है संसार की माँ और गौ माँ में, इसलिए वह माँ से कम नहीं है। हम इसको समझें और हम गौ सेवा के लिए आगे आएं, हो सके घर में गाय को पालिए, नहीं हो सकता है तो जहाँ इस तरह की गायों की सेवा हो रही है आप जा कर के, और कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं नहीं कहता हूँ कि इनको बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दे दो, हो तो दे दो, नहीं हो तो चारा लेके गाय को खिला दो तो डायरेक्ट खाएगी वो, शर्मा जी नहीं खाने वाले यदि शंका हो तो। हालांकि 100% यहाँ लग रहा है, गुड़ की डेली ला करके खिला दो गाय को, आपको तृप्ति मिलेगी। आप पानी पिला के चले जाओ, आपको तृप्ति मिलेगी, और कुछ नहीं तो थोड़े से गोबर के फावड़े से उठा करके साइड में लगा दो। इतना तो हम कर ही सकते हैं, यह संकल्प यदि हम सब लोग लेंगे तो बहुत बड़ा कार्य है और गौ सेवा का जो यह अभियान बहुत जल्दी पूरा होगा, क्योंकि विशेष कर करके हॉस्पिटल यह एक बहुत ही दिव्य एक भावना के साथ स्थापित यह संस्थान जो हमने देखा आज हमको अच्छा लगा। और यहाँ पर जो सेवा दे रहे सभी हमारे डॉक्टर भाई जितने भी यहाँ पर सेवक हैं सभी बड़े मन से बड़ी भावना से काम कर रहे हैं, ये सत्य बात है। मैं हमेशा जो हमारी संस्थान में भी सेवा कर रहे होते हैं भाई बहन, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जीवन निर्वहन के लिए हमको साधन तो शराब के फैक्ट्री में काम करके भी मिल सकता है, परंतु जो सेवा जहाँ से राष्ट्र का निर्माण होता हो, जहाँ धर्म की रक्षा होती है, जहाँ साक्षात जैसे यहाँ पर गौ माँ की रक्षा होती है, तो जो आनंद मिलेगा वह अन्यत्र नहीं मिल सकता है। इसीलिए उस आनंद से हमको वंचित नहीं रहना है। देखो छोटी सी मेरी माताएँ बहनें बैठी हैं, घर में क्या होता है कि कोई मेहमान आया प्रिय आया तो हमने बड़े प्यार से खिलाया, कोई बेप्यारा आया तो भी हमको पानी तो पिलाना पड़ेगा, पर मन में वो भाव नहीं आएगा, लगेगा ये आया समय खराब करने। पर यदि ये भाव आया पानी तो फिर भी पिलाना पड़ेगा, पर जो पुण्य मिलना था उससे आप वंचित रह गए। इसलिए हम काम तो करें, जिसको करें मन से करें, भावना से करें, तल्लीनता से करें, अंतर हृदय से करें, यदि ऐसा करें पूरा पुण्य हमको। इसी भाव से सभी लोग हमारे यहाँ पर रहे हैं उनको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं, और पूरा शर्मा परिवार को टीकाराम शर्मा जी के साथ साथ में और गुरुजी से लेकर के और आप सभी लोगों को, क्योंकि इन्होंने इतना जल्दी में, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ऐसे कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है कि धड़ाधड़ खड़ा कर दें, पर मुझको लग रहा है कि अब तो बन गए हैं, ये सब काम कर सकते हैं और किसी की जरूरत नहीं है। ये भजन गाने वाले भाई भी परिवार के ही आसपास के होंगे, और गाने वाले बजाने वाले मंच संचालन करने वाले सब परिवार के ही हैं, तो पूरी टीम ये लगेगी, तो ये बहुत अद्भुत काम हो रहा है। हम सबको आगे आना चाहिए और आप सबके भावनाओं को और आप सबके हृदय में विद्यमान
परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए, भगवान के विधान है, हम तो करने वाले कुछ नहीं है, ये जाने रहो श्रद्धे स्वामी जी, या हम काम कर रहे हैं, हम यही मान करके काम करते हैं क्योंकि भगवान ने हमको मौका दिया है, क्योंकि हमसे ज़्यादा सामर्थ्यवान इस दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, हमसे बहुत सामर्थ्यशाली लोग हैं। 95 में मुझे स्मरण है जब हमने ट्रस्ट प्रारंभ किया था, हम लोगों ने भी बहुत शून्य से शुरू किया था, हमको पता नहीं था हम क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, पर हमको यह पता था कि हमको जो कुछ भी करना है, हमारे ऋषि महर्षियों की जो परंपरा है, हमारी सनातन वैदिक धर्म की जो मर्यादाएँ हैं, उनमें रह करके हमको काम करना है, यह हमको पता था। हम उसमें चलते गए, जो कुछ हुआ, जो भी है, सब ये परमात्मा की कृपा से हैं। तो इसीलिए हम इसी भाव से जीते हैं, जैसा भी जीवन में आए पुरुषार्थ करें, आगे बढ़ें, पुरुषार्थ करते चलें, पर कर्ता भाव से बचते चलें, तो जो कुछ भी होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि परमात्मा को पता है कि हमारे बच्चे और बच्चियों को क्या चाहिए, भगवान फिर अपने आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि यदि तुम अपनी ज़्यादा चिंता करोगे तो भगवान छोड़ देंगे, क्योंकि कहेंगे ये तो अपनी चिंता अपने आप करता है, मैं दूसरी की खबर लूँ। यदि तुम भगवान के ऊपर छोड़ करके कर्तव्य करते रहोगे तो परमात्मा को लगेगा कि यह मेरा अच्छा बच्चा है, ये बेचारा लगा हुआ है, इसका मुझे सहयोग करना है। तो हमको तो ऐसा ही लगता है कि जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, जितना हम समाज के लिए सोचेंगे, जितना हम अपनी इन मूल्य और आदर्शों का अनुष्ठान को आगे बढ़ाएंगे, परमात्मा हमारा साथ उतना ही देते हुए हमारी रक्षा भी करेंगे और हमको आगे भी बढ़ाएंगे, हमको उत्साहित भी करेंगे और परेशानी भी देंगे, तो भी हमारे पीछे एक हाथ परमात्मा का हमेशा बना रहेगा। इस भाव से हम जीवन में आगे बढ़ें, उन्नत बने और जीवन की विषमताओं को भी परमात्मा का प्रसाद समझ करके, बिना शिकायत के उसको अपने अंदर धारण करते हुए चलिए, तो आप अमृत को पा सकेंगे। हमारी बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमस्कार। ओम।